हेलो दोस्तों दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है इन्फोसिस रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, आपने 22 अगस्त 2021 को इन्फोसिस की एग्ज़ाम कंप्लीट की होगी। तो देखिए, आपको इंटरव्यू का मेल आएगा या फिर नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको पेपर कैसा गया, ये सारे के सारे बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मेरे जो एक दोस्त है, तेजस्विनी जी नाम है उनका, उन्होंने कमेंट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी कमेंट पढ़ते हैं एंड देन हम सबको सोल्यूशन बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो कहती है, ब्रो आई हैव अ 6.5 CGPA इन अ बीटेक। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने बीटेक किया है और उनका जो CGPA है वो 6.5 है। वो आगे कहती है, एस्टरडे आई रोट अ इन्फोसिस एग्जाम वेरी वेल, एंड वो आगे कहती है, आई एम एलिजिबल प्लीज टेल मी। तो देखिए तेजस्विनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्फोसिस का क्राइटेरिया रहता है अबव 60%, और अगर आपका CGPA 6.5 है तो आपका 99.99% आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप क्राइटेरिया में एलिजिबल हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी कुछ अपडेट है या आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू इन्फोसिस क्राइटेरिया, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। पर अकॉर्डिंग टू मी 6.5 CGPA चलेगा ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। और हाँ दोस्तों, इन्फोसिस का जो ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो असेसमेंट टेस्ट का, अगर आपका परसेंटाइल 65% के ऊपर या फिर 60% के ऊपर है तो आपको इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं। थैंक यू।